पिछले 4 दिनों से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता का निधन हो गया है। साधना पिछले काफी समय से बीमार थी। गंभीर हालत में साधना को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। आज उन्होंने आखिरकार दम तोड़ दिया। साधना गुप्ता साल 2020 में कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई थी। 14 अक्टूबर 2020 को खबर आई थी कि मुलायम सिंह यादव और उनकी पत्नी साधना गुप्ता कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आपको बता दें कि साधना मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी है। मुलायम सिंह की पहली पत्नी का नाम मालती देवी था। अखिलेश यादव मालती देवी और मुलायम सिंह के ही बेटे हैं। मालती देवी के निधन के बाद मुलायम सिंह ने दूसरी शादी कर ली थी। मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी का ही नाम साधना गुप्ता है। साल 2019 में मुलायम सिंह ने चुनाव आयोग को जो हलफनामा दिया था, उसमें बताया था कि साधना गुप्ता के नाम करीब 5 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है। साधना गुप्ता राजनीति से दूर रही है। मुलायम सिंह से शादी से पहले वह तलाकशुदा थी। पहले पति से उनको एक बेटा है जिनका नाम प्रतीक है। साधना से शादी के बाद मुलायम ने प्रतीक को अपना नाम दिया है। प्रतीक भी अपनी माँ की तरह राजनीति से दूर है और अपना बिजनेस करते हैं।